तुर्की प्रशासन ने भारत द्वारा भेजे गए गेहूं के खेप को अस्वीकार कर दिया है। तुर्की के अधिकारियों ने गेहूं के इस खेप में फाइटोसैनिटरी की शिकायत करते हुए इस खेप को लेने से इनकार किया। आपको बता दें कि जिसके बाद 29 मई को जो शिप या खेप लेकर तुर्की पहुंचा उसे वापस लौटना पड़ा। गेहूं के इस 15 मिलियन टन के खेप के वापस आने से भारत के व्यापारियों के लिए मुश्किलें बढ़ गई हैं। S&P ग्लोबल कमेटी के अनुसार 56,877 टन गेहूं लोड करके भेजा गया था जो कि अब कंडला पोर्ट से वापस आ रहा है। गेहूं के खेप में रुबेला नाम की बीमारी थी जिसके चलते तुर्की के कृषि मंत्रालय ने इसे लेने से इनकार कर दिया। हालांकि भारत के कृषि मंत्री की ओर से अभी तक कुछ नहीं कहा गया है। आपको बता दें कि इन शिपमेंट को भारत द्वारा गेहूं के निर्यात पर प्रतिबंध लगाए जाने से पहले भेजा गया था। इसे एक प्राइवेट कंपनी की ओर से भेजा गया था। अप्रैल में महंगाई दर बढ़ने के बाद भारत ने गेहूं निर्यात पर प्रतिबंध लगा दिया था। पिछले महीने गेहूं के दाम में 20% बढ़ोतरी देखने को मिली जिसके चलते गेहूं के निर्यात को रोक दिया गया था। हालांकि सरकार ने इस प्रतिबंध से पहले जो कंसाइनमेंट रवाना हो चुके थे उस पर प्रतिबंध नहीं लगाया था। ब्यूरो रिपोर्ट IPN।